सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैन डिटॉक्स शिखा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे और मैं भगवान से हमेशा की तरह प्रे करूंगी कि आप सभी लोग इसी तरीके से हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए बने रहें। मुझे लगता है मेरी दुआ हर जगह काम नहीं आई और इस बात के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है, वो भी अपने दिल से लिटरली गाइस, क्योंकि ये जो घटना है ना वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा दुखद घटना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल आइज ऑन रियासी एक नारे की तरह काम कर रहा है। पहले जो है हमारे यहाँ पर जो ट्रेंड किया था वो था ऑल आइज ऑन रफा। अब ऑल आइज ऑन रफा के बाद जो ट्रेंड किया है वो है ऑल आइज ऑन रियासी। अब ये रियासी क्या है मैं आपको बताती हूँ। रियासी जो है वो जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमारा पवित्र वैष्णो देवी धाम तीर्थस्थल आता है। जी हाँ, वहां पर इसी के लिए, वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए कुछ श्रद्धालु जा रहे थे बस से। तो वहीं पर उसी वक्त एक जो है बस के ऊपर जो है एक आतंकी हमला हुआ और वो जो आतंकी हमला था बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहां पर एट अ टाइम करीबन 9 लोगों की मौत हो गई जिसमें से कि एक बच्चा था और करीब करीब 33 लोग घायल हो गए। अब वो जो घायल हो गए उन्होंने वहां की जो है कुछ जो घटना हुई थी उसका कुछ बताया है। वैसे जो वो लोग हैं अभी वो लोग काफी गंभीर रूप से कुछ घायल भी हैं, कुछ थोड़े ठीक हैं, लेकिन वो लोग क्या है ना, मतलब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा हरेस हुए हैं और वो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि जो वहां की जो घटना हुई थी ना वो कुछ इसी तरीके की थी कि जब उनकी जो बस थी उसको चारों तरफ से जो आतंकवादी थे उन्होंने घेर लिया था। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां उनकी बस पर बरसाई जिसकी वजह से जो ड्राइवर था उसने काफी हद तक बस को और यात्रियों को बचाने की कोशिश करी। बट एक तो होता है ना कि भाई बस ड्राइवर जो होता है वो बिल्कुल सामने बैठा होता है, जब वहां से गोलियां जब पड़ी तो वो क्या है डिसबैलेंस हो गया और उसने बस को तेज भगाने की कोशिश करी और तेज भगाने के चक्कर में जो बस है वो डिसबैलेंस होकर के नीचे खाई में गिर गई। और ये अच्छा था कि वो जो खाई थी वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, लगभग लगभग जो है वो 100 फीट के आसपास मतलब गहरी जा रही थी, 100 फीट से भी ज्यादा हो गया थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, इतना ही बता रहे हैं। तो उसमें जाकर के वो बस गिर गई थी। उसके बाद भी करीब करीब 15 मिनट तक जो है आतंकवादियों ने बस के गिरने के बाद भी 15 मिनट तक उन्होंने लगातार गोलियां बरसाई और वो बीच में जो है 1-1 मिनट का पॉज भी ले रहे थे गोलियां चलाते टाइम। तो उसके बाद जो जो यात्री उसमें बच गए थे उन सब लोगों ने एक दूसरे से बोला कि भाई मरने का नाटक करो, जब इन लोगों को ये लग जाएगा कि सारे लोग मर चुके हैं तभी अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद उन सभी यात्रियों ने मिलकर यही किया, सबने एक मरने का नाटक किया। उसके बाद जो आतंकवादी थे उनको लगा कि लगता है यहाँ पर सब लोग मर चुके हैं, उसके बाद वो आतंकवादी वहां से चले गए और जो लोग वहां पर नीचे बच गए थे थोड़े बेहोश की हालत में थे, कुछ होश में थे, उन्होंने जैसे तैसे करके पुलिस को जो है फोन लगाया। उसके आधे घंटे में वहां के आसपास के जितने भी स्थलीय लोग थे और पुलिस थी वो सभी पहुंच गए, तब जाकर के उनको वहां से एक एक करके निकाला गया। तो ये जो घटना है ना ये हम लोगों के लिए बहुत दुख भरी है क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ग्रहण कर रहे थे कि उनको किस तरीके से हमारे देश की वो सुरक्षा करेंगे, उसी उसी टाइम ठीक उसी टाइम देश के एक कोने में इतना बड़ा आतंकी हादसा हुआ। बाकी मैं ये जो कहानी है वो बहुत ज्यादा दुखद भरी है, हम इसे कहानी नहीं कहेंगे बल्कि एक घटना है ये जो कि घटी है और लोगों पर बीती है। तो गाइज प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी कि इस वक्त सभी लोग एक हो जाए, जितने श्रद्धालुओं की उस वक्त वहां पर डेथ हुई है घायल हुए हैं उन सबको हम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, हमें थोड़ा सा मिलकर एक आवाज बननी चाहिए जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था हमारी सरकार कर सके। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में ये सब कुछ ही जानते हैं और मुझे जहां तक पता है वो सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी अब जरूर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है फिलहाल हम यहीं खत्म करते हैं, हम फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।